नमस्कार, मैं शिवानी नॉर्थ ईस्ट की खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पूर्वोत्तर भारत के चार राज्यों सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं करने पर पेनल्टी लगा दी गई है। आपको बता दें कि राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के मकसद से स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल एक रैंकिंग सिस्टम शुरू किया था। अब इसकी रिपोर्ट हम सबके सामने आ गई है, जिसके मुताबिक इन चार राज्यों को 20 अंकों के साथ बाहर कर दिया गया है। वहीं दिल्ली समेत 10 राज्य इस सूची में अब भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सालाना आर्थिक मदद दी जाती है। इसके तहत लगभग 3,265 करोड़ रुपए के बजट को सभी राज्यों में आवंटित किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं में जो बदलाव की स्थिति है वो कम आकी गई है। आपको ये भी बता दें कि ये रिपोर्ट 7 बिंदुओं के मानकों के आधार पर सभी राज्यों में तैयार की गई है। इसमें जिन राज्यों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है उनके बजट में 20% तक अब कटौती करी जाएगी। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 6 राज्यों में दादरा नगर हवेली, हरियाणा, असम, केरल, पंजाब और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इनके अलावा राजस्थान व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार को 0 अंक दिए गए हैं। इसका मतलब इनके बजट में कटौती नहीं की जाएगी। वहीं बात करें अब अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को किसी भी तरह की जो मदद है वो अब मुहैया नहीं की जाएगी। उधर जिन राज्यों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है उनको सरकार की तरफ से बोनस देने का भी फैसला किया गया है। इनमें यूपी, हरियाणा, पंजाब शामिल हैं।